नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पर। इलेक्ट्रिशियन थ्योरी से संबंधित 12 नंबर आज क्लास आपकी एमसीक्यू क्रेज कोर्स आपका चल रहा है, जिसमें ट्रांसफॉर्मर के बारे में हम पढ़ने वाले हैं और सुपर फास्ट आपका रिवीजन होगा। यानी जितने भी क्वेश्चन आज हम पढ़ेंगे ट्रांसफॉर्मर यानी प्रेरणा मित्र के बारे में। यानी अगर आप क्लास नोट्स लेना चाहते हो, जिसके अंदर मात्र 101 रुपये में क्लास नोट्स आपको मिल जाएंगे, जिसके अंदर पूरी इलेक्ट्रिशियन की थ्योरी है, जो आपको 9816255040 इस पे व्हाट्सअप मैसेज करना है। मैसेज करके आपको पेमेंट करनी है, ठीक है। इस नंबर पे पेमेंट नहीं होगी, लेकिन मैसेज करोगे आपको एक क्यूआर कोड मिलेगा, जिस पे आप पेमेंट करते ही आपको मिल जाएगा। आज का जो है पहला क्वेश्चन है, तैयारी करते रहिए, रेगुलर रहिए, क्योंकि रेगुलरिटी आपकी कायम है तो सिलेक्शन बहुत आसान हो जाता है। अगर रेगुलर नहीं हो, कंटिन्यूटी नहीं है आपकी, बार बार भटकते हो किसी एग्ज़ाम में, कभी इसी एग्ज़ाम में, तब दिक्कत होती है। तो पहला क्वेश्चन, सबसे आसान क्वेश्चन, प्यारा क्वेश्चन आपका, जिसके अंदर बुकोल्ज रिले जो होता है वो कौन सा रिले होता है। तो बुकोल्ज रिले अगर शब्द पूछा जाए तो ये ट्रांसफॉर्मर की आंतरिक दोष उत्पन्न होता है, उसके कारण ये बचाने का काम करता है। गैस चालित रिले होता है, गैस द्वारा चालित यानी गैसीय सिद्धांत पर आधारित होता है, ठीक है। तो ये क्या करता है, इसका फंक्शनिंग यानी कार्य क्या है। तो इसका कारण ट्रांसफर अत्यधिक ओवर हीट, भारी बाह्य शॉर्ट सर्किट, तेल का स्तर रिले लेवल से नीचे गिरना, एसमिथ ब्रीदिंग एक्शन। तो इसका आंसर क्या आएगा, अत्यधिक ओवर हीट होने के कारण, यानी आंतरिक दोष पैदा होगा तो ट्रांसफॉर्मर में हीट होगी, जिसके कारण तेल फैलने की कोशिश करेगा और गैस के कारण ये क्या होगा, बुकोल्ज रिले ऑपरेट होगा, ठीक है ना। इसके अंदर दो स्विच होते हैं, जिनको मर्करी स्विच कहा जाता है। पहला अलार्म को ऑपरेट करता है, अगर अलार्म से नहीं उठते हो आप, मान लो, ठीक है, तो वो क्या करवाता है, फिर अपने आप सर्किट ब्रेकर को ऑन करके सप्लाई से अलग करने का काम करता है ट्रांसफॉर्मर को। निम्न में से कौन सा ट्रांसफॉर्मर प्रतिस्थापन में प्रयोग नहीं होता, कौन सा ट्रांसफॉर्मर प्रयोग नहीं होता ट्रांसफॉर्मर के प्रतिस्थापन, यानी ट्रांसफॉर्मर में क्या नहीं होता है। तो उत्तेजक जो होता है वो डीसी मशीन या अल्टरनेटर सिंक्रोनस मोटर में काम लेते हैं आप, ठीक है, एक्साइटर का। वैसे ब्रीदर, कंजर्वेटर और बुकोल्ज रिले ये ट्रांसफॉर्मर के भाग हैं, यानी पूछने का अर्थ है भी कौन सा भाग नहीं है। हिस्टेरेसिस ह्रास सबसे कम निर्भर करता है, यानी कब सबसे कम लॉस जो है, ठीक है ना, हिस्टेरेसिस लॉस किस पे कम निर्भर करता है, एंबिएंट तापमान पे। ट्रांसफॉर्मर एक होता है, तो ट्रांसफॉर्मर एक क्या है, स्टैटिक्स यानी स्टैटिक्स मशीन है। इनमें से कौन सा एक स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर के बारे में बताता है, जिसकी सेकेंडरी वाइंडिंग ज़्यादा दी हुई है वो स्टेप अप के बारे में बताएगा। और सेकेंडरी, देखो सेकेंडरी वाइंडिंग पहला ए ऑप्शन हो जाएगा 5 का। अगर आपको आइसोलेशन के बारे में कही तो सी ऑप्शन हो जाता, और स्टेप डाउन कही तो डी ऑप्शन हो जाता। ट्रांसफॉर्मर को एडी करंट लॉसेज जो है रक्षित करने हेतु कोर को क्या किया जाता है, तो एडी करंट से बचाने के लिए उसको क्या किया जाता है, हाई स्पीड स्टील, माइल्ड स्टील, कास्ट आयरन, सॉफ्ट आयरन, ठीक है। तो ये क्वेश्चन अलग प्रकार का है। एडी करंट को कम करने के लिए हम क्या करते हैं, सॉफ्ट आयरन का यूज़ करते हैं। वैसे लेमिनेशन वगैरह का ही ज़्यादातर क्वेश्चन पूछा जाता है, ऐसा क्वेश्चन पहली बार आपको देखने को मिलेगा। लोहे हानि 500 वाट है, तो उसकी तामर क्षति कितनी होगी, अगर मैक्सिमम एफिशिएंसी आपके ट्रांसफॉर्मर की चाहिए तो 1:1 होता है, यानी तामर हानियां जो है लोहे हानि के बराबर होनी चाहिए, तो 500 वाट आंसर आ जाएगा। ट्रांसफॉर्मर की क्रोड जो होती है को लेमिलेशन व सिलिकॉन इस्पात का बनाया जाता है, क्यों, तो लेमिलेशन एडी धारा से बचाने के लिए और सिलिकॉन का बनाया जाता है हिस्टेरेसिस लॉस को बचाने के लिए। तो दोनों आ जाएंगे, ए में एडी, दूसरे में हिस्टेरेसिस, एडी धारा और हिस्टेरेसिस दोनों को घटाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। एडी धारा और हिस्टेरेसिस दोनों प्रकार की क्षति को रोकने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। किसी ट्रांसफॉर्मर की प्रत्येक कुंडलन विद्युत वाहक बल उत्पन्न करती है, किस पे निर्भर करता है ये, विद्युत वाहक बल उत्पन्न जो करेगा, यानी ट्रांसफॉर्मर की प्रत्येक कुंडली यानी प्रत्येक वाइंडिंग जो है वो एक ईएमएफ उत्पन्न करती है, सेकेंडरी वाइंडिंग में उत्पन्न होगा, तो वो किस पे निर्भर करता है, ठीक है। केवल आवृत्ति पे ऐसा नहीं है, आवृत्ति पे करता है, लेकिन केवल आवृत्ति पे नहीं है, केवल लपेट संख्या या आवृत्ति पे ऐसा भी नहीं है, केवल आवृत्ति अधिकतम चुंबकीय फ्लक्स पे, और इसका आंसर आएगा तीनों पे, ठीक है ना। आवृत्ति पे भी करता है, किस पे करता है,
आवर्ती पे भी डिपेंड करता है और फ्लक्स पे भी करता है और टर्न की संख्या पे भी डिपेंड करता है। ट्रांसफॉर्मर में ब्रीदर में रासायनिक पदार्थ यानी केमिकल सब्सटेंस कौन सा होता है, तो सिलिका जेल होता है जो नमी को रोकने का काम करता है। शुष्क सिलिका जेल का रंग कैसा होता है, तो सफ़ेद या हल्का गुलाबी, पीला, नीला, हरा, तो आप क्या कहोगे जी, नीला होता है। और उसके बाद में क्या हो जाएगा, गुलाबी हो जाएगा नमी को सोखने के बाद। बुकोल्ज रिले का प्रयोग होता है, तो तेल शीतलित ट्रांसफॉर्मर में प्रयोग होता है। किसमें प्रयोग होता है, तेल के द्वारा कूलिंग करने वाले ट्रांसफॉर्मर, ऑयल कूल्ड ट्रांसफॉर्मर में प्रयोग होता है। मिलान कीजिए बुकोल्ज रिले ट्रांसफर स्वच्छ, देखो बुकोल्ज है एक्जोलेशन, एक्सप्लोजन वेट जो होता है, वेंट जो होती है, ठीक है ना। आयल गेज क्या काम करता है, तो आयल गेज आपके ट्रांसफर हो गए तेल मापने के लिए, तापमान मापी तापमान मापती है, और प्रेशर रिलीज करने के लिए एक्सप्लोजन वेंट होता है। बुकोल्ज रिले क्या करता है, एक युक्ति स्वचालित सर्किट ब्रेकर की भांति काम करती है। तो एक का क्या हो जाएगा, चार हो जाएगा। तो ऐसा ऑप्शन एक ही है, बी, मिलान कर ही दिया आपका, ठीक है। तो 13 नंबर का क्या आ गया, बी आ गया। क्वेश्चन हो गया 14 नंबर, ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन को, अपने आप में पढ़िए, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ठीक है। सामने डेक मोबाइल रखकर बैठने से कुछ नहीं होगा, थोड़ा क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए ताकि आपको याद रहेगा ये क्वेश्चन। प्रति फेरों की संख्या 6 है और 100 प्राथमिक वोल्टेज 110 है। यदि V2 में 25 वोल्ट हो तो प्राथमिक तथा द्वितीय टर्नों का अनुपात क्या होगा, जितनी वोल्टेज का अनुपात होता है उतना ही अनुपात क्या होगा, टर्नों का अनुपात होगा। तो काट लीजिए इसको, प्रति वोल्ट फेरों की संख्या 6 है, ठीक है, तो काट लीजिए भाई, या इस फार्मूले से निकाल सकते हो आप। देखो N2 बटे में N1 बराबर क्या होता है, E2 बटे में E1, ठीक है। तो N2 आपका कितना दिया हुआ है, N2 तो निकालना है, और वोल्टेज दोनों दी हुई है, ठीक है। तो काट के देख लो भाई, तो ये देखो एक प्रति संख्या है, तो यानी जो प्राथमिक वोल्टेज है वो क्या दी हुई है, प्रति 6 दिया हुआ है, यानी हमारे पास 110 है, कितना है 110 है, और 110 को हम 6 से गुणा करेंगे तो हमारी प्राथमिक टर्न आ जाएगी, क्या आ जाएगी, प्राथमिक 660 कितनी आ जाएगी, 110 गुणा 6 660 आ जाएगी, ठीक है। सेकेंडरी टर्न हमें निकालनी है, लो गलत, प्राइमरी टर्न हमें दी हुई है, ठीक है, सेकेंडरी हमें निकालनी है, तो NS निकालना है, और नीचे आ गया 660 बराबर में क्या आ गया, सेकेंडरी वोल्टेज 25 है बटे में 110 है, तो काट लो इसको, 5 5 2 10 5 2 10 5 1 5 5 1 5 यानी 22 11 6 66। अरे कैलकुलेशन मैं भी गलत करूँगा तो कैसे चलेगा, धोती अच्छा 360, 11 3 33, कहाँ गायब हो जाता है रिक्यूशन, तो ये लो भाई, ठीक है। तो इसने कहा है प्रति वोल्ट फेरों की संख्या 6 है, प्राथमिक वोल्टेज 110 है, सेकेंडरी वोल्टेज इतनी है, तो प्राथमिकता टर्नों की संख्या पूछी है इसने, यानी एक वोल्ट के लिए एक वोल्ट 6 में पैदा होती है। देखो यहाँ पे थोड़ा सा लॉजिक लगाने की कोशिश, वही बात तो वही है, एक टर्न में 6 वोल्टेज पैदा होती है,
ठीक है ना। तो 110 वोल्टेज के लिए हमें कितनी चाहिए, 660। ध्यान से समझ लो क्वेश्चन को। तो प्राइमरी टर्न हमारे पास कितनी हो गई, प्राइमरी टर्न हो गई हमारे पास है 660, ठीक है। और एक टर्न जितनी होगी प्राइमरी में उतनी सेकेंडरी में होगी, तो अनुपात 25 × 6, 25 × 150, तो 660 अनुपात 150 आंसर आ जाएगा। ये दिया हुआ है क्या, ठीक है। वो थोड़ा लंबा पड़ जाता है शॉर्टकट से, क्योंकि प्रति टर्न सेकेंडरी और प्राइमरी दोनों होते हैं, उनके अंदर क्या होती है, वोल्टेज समान, प्रति टर्न वोल्टेज समान होती है, ठीक है ना। प्रति टर्न यानी जितनी टर्न, एक टर्न में प्राइमरी में वोल्टेज होगी उतनी उसमें होगी। तो इसने कहा एक वोल्टेज 6 के बराबर है, एक वोल्टेज कितने के बराबर है, 6 वोल्ट के बराबर है, ठीक है। 6 टर्न में एक वोल्टेज के बराबर है, तो प्राइमरी में कितनी होगी, 110 × 6 660 होगी, और इधर 25 × 150 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक परिणामित्र के लिए सही है, सही कहा है, ये एक स्थैतिक युक्ति होती है, ये बात है सही है, ठीक है। क्या होती है, स्थैतिक युक्ति होती है। अगला क्वेश्चन है, किस प्रकार की धारा परिणामित्र पे कार्य करता है, तो केवल एसी पे काम करता है, डीसी पे ये जल जाती है, प्राइमरी वाइंडिंग। कौन सा सिद्धांत ट्रांसफॉर्मर के कार्य करने के लिए उत्तरदायी है, कौन सा सिद्धांत है जो उत्तरदायी है, तो ठीक है, संयुक्त और पारस्परिक दोनों ट्रांसफॉर्मर के लिए प्रयोग होते हैं, ठीक है। फैराडे का विद्युत चुम्बकीय इंडक्शन नियम, ठीक है। तो इसके हिसाब से अगर एग्जैक्ट देखें तो फैराडे के विद्युत चुम्बकीय इंडक्शन नियम इस पे काम करता है, ये दोनों, इसके अंदर दो नियम आते हैं, संयुक्त और आपका एक सेल्फ इंडक्शन हो गया, एक म्यूचुअल इंडक्शन हो गया। तो फैराडे का विद्युत चुम्बकीय इंडक्शन नियम इसका सही आंसर दे पाओगे आप। किस प्रकार की वोल्टता को ट्रांसफॉर्मर में परिवर्तित करता है, ठीक है, किस प्रकार की वोल्टता को ट्रांसफॉर्म परिवर्तित करता है, उच्च स्तर से निम्न स्तर, निम्न स्तर से, दोनों प्रकार के यानी स्टेप अप स्टेप डाउन दोनों प्रकार के होते हैं। तो निम्न स्तर की कम वोल्टेज उसको ज़्यादा कर देगा, ज़्यादा वोल्टेज को कम करना, दोनों काम करता है। क्या होगा अगर ट्रांसफॉर्मर डीसी से जोड़ दिया जाए, तो फ्रिक्वेंसी जीरो होने के कारण इसके अंदर जो इंडक्टिव रिएक्टेंस है शून्य हो जाता है, इंडक्टिव रिएक्टेंस शून्य होगा तो वाइंडिंग जल जाएगी, ठीक है ना। क्या होगा, वाइंडिंग जल जाएगी, करंट अनंत हो जाएगा इंडक्टिव रिएक्टेंस कम होने के कारण, ठीक है, तो जल जाती है डीसी पे। किस प्रकार का ट्रांसफॉर्मर नहीं बदलता, राशि को नहीं बदलता, किस राशि को ट्रांसफॉर्मर नहीं बदलता, तो ट्रांसफॉर्मर न तो पावर को बदलता है न आवृत्ति को, वोल्टेज करंट दोनों को बदलने का काम करता है, तो पावर और फ्रिक्वेंसी दोनों को नहीं बदलता, एम्पलीफायर ऐसा काम कर देता है। ट्रांसफॉर्मर की प्राइमरी वाइंडिंग को किससे संयोजित किया जाता है, प्राइमरी वाइंडिंग सोर्स से होती है, सेकेंडरी वाइंडिंग लोड से होती है, तो प्राइमरी किससे होती है, स्रोत से, प्राइमरी वाइंडिंग स्रोत से संयोजित होती है, सोर्स से कनेक्टेड होती है। बहुत अच्छे ट्रांसफॉर्मर की दक्षता कितनी होती है, तो 95 से 99% है, कितनी हो जाएगी, 95 से 99% होती है, बहुत अच्छा है। आदर्श ट्रांसफॉर्मर की 100% होती है। एक उच्चायक यानी स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर क्या है, जो वोल्टेज को बढ़ा दे, ठीक है, वोल्टेज के मान को बढ़ाता है। द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या प्राथमिक से ज़्यादा होती है, यानी सेकेंडरी में को टर्न जो होते हैं प्राइमरी से ज़्यादा होते हैं, सही है। दो करंट के मान को घटाता है, यानी वोल्टेज को बढ़ाएगा, करंट ऑटोमेटिक घट जाएगी क्योंकि पावर समान रहनी है, ठीक है। तो उपरोक्त क्या आ जाएगा, उपरोक्त सभी आ जाएगा, सभी सही है। स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर की द्वितीय कुंडलन क्या होती है, द्वितीय कुंडलन स्टेप डाउन की कम होती है, प्राइमरी से द्वितीय की कम होती है, ठीक है। तो प्राइमरी कुंडलन की अपेक्षा क्या होगी, अपेक्षा कम शक्ति होती है, ऐसा तो नहीं है, प्राइमरी कुंडलन की अपेक्षा कम लपेटे होते हैं। स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर है तो प्राइमरी से क्या हो जाएगा, कम टर्न होती है। वह पदार्थ जो ट्रांसफॉर्मर जो होता है उसके क्रोड के निर्माण के लिए सर्वाधिक उपयुक्त माना जाता है, तो वो सिलिकॉन स्टील माना जाता है। अरे भैया क्या माना जाता है, सिलिकॉन स्टील माना जाता है। सीआरजीओ वगैरह के बने होते हैं, फेराइट प्रकार की उच्च आवृत्ति के लिए प्रयोग करते हैं उनका है। इनमें कौन सा ट्रांसफॉर्मर का एक प्रकार है, तो बेरी टाइप भी होता है, कोर टाइप भी, सेल टाइप होता है, ये कोर के आधार पर होते हैं ना, कोर के आधार पर होते हैं। वह ट्रांसफॉर्मर क्या कहलाता है
जिसकी प्राइमरी को उच्च वोल्टता दी जाती है तथा सेकेंडरी को निम्न वोल्ट ली जाती है। सेकेंडरी को प्राइमरी को ज़्यादा दोगे और सेकेंडरी से कम लोगे तो स्टेप डाउन हो गया, वो तो क्या हो गया, स्टेप डाउन हो गया, क्योंकि उच्च वोल्टेज प्राइमरी को और निम्न वोल्टेज किसको दिए, ली जाती है सेकेंडरी से, तो वो स्टेप डाउन प्रकार का ट्रांसफार्मर हो गया। यदि वोल्ट 120 वोल्ट है और आउटपुट वोल्टेज 240 है तो वाइंडिंग कौन सी साइड प्राइमरी है, इसने देखो इनपुट वोल्टेज, देखो थोड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है, इनपुट 120 है, इनपुट जिसमें देंगे वह प्राइमरी है और आउटपुट जहाँ से लेते हैं वो सेकेंडरी है, तो किस पर कौन सी प्राइमरी है कौन सी सेकेंडरी है, तो आप बता दोगे, तो साइड प्राइमरी वाइंडिंग है, तो प्राइमरी वाइंडिंग किस साइड होगी, 120 वाली साइड, और सेकेंडरी वाइंडिंग किस साइड होगी, 240 वाली साइड। ट्रांसफॉर्मर का ट्रांसमिशन रेशो क्या होता है, ट्रांसफॉर्मर रेशो पूछ लिया आपसे तो ठीक है, आई टू बटे आई वन, नहीं 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 ये सही है, एन टू बटे एन वन और सेकेंडरी वोल्टेज बटे में प्राइमरी वोल्टेज, ठीक है ना, करंट का उल्टा होता है, करंट का क्या होता है, प्राइमरी की करंट ऊपर रखी जाती है और सेकेंडरी की करंट नीचे रखी जाती है, तो ये ट्रांसफॉर्मर रेशियो होता है, बी और सी दोनों आ जाएंगे। अगर आपसे टर्न रेशो पूछे तो प्राइमरी वाइंडिंग ऊपर रखी जाती है और सेकेंडरी नीचे रखी जाती है, इसका उल्टा हो जाता है वो। कारण वश प्राय सेल टाइप ट्रांसफॉर्मर प्रयुक्त होते हैं, यानी सेल सेल टाइप है, सेल सेल याद करो, सेल ठीक है, कोर सेल सेल कोर, तो कहाँ प्रयुक्त किए जाते हैं, तो प्रयुक्त किए जाते हैं क्योंकि इसके अंदर सेल टाइप है, एच से याद करो, एच बनाया था हमने, इसमें दो चुंबकीय रास्ते होते हैं, कितने रास्ते होते हैं, दो चुंबकीय, बेरी में दो से ज़्यादा होते हैं, और जो आपका सेल टाइप होता है उसमें एक ही चुंबकीय रास्ता होता है, एक चुंबकीय रास्ता होता है, तो इसमें क्या होता है, चुंबकीय फ्लक्स जो होता है, फ्लक्स लीकेज बहुत ही कम होता है, ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, दो चुंबकीय पथ होते हैं, ठीक है, ये दिखने में सुंदर होता है, ये भी ठीक है, चुंबकीय फ्लक्स लीकेज कम होता है, ये भी ठीक है, तो नहीं 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 देखने में सुंदर वाला तो ऑप्शन कट जाएगा, फिर ऑप्शन के हिसाब से बी और सी दोनों आ जाएंगे। किस प्रकार के ट्रांसफॉर्मर में अल आकृति की स्टेपिंग में दो सेट प्रयोग किए जाते हैं, और दो सेट प्रयोग करके क्रोड बनाई जाती है, तो क्रोड प्रकार का ट्रांसफॉर्मर, बेरी प्रकार का ट्रांसफॉर्मर, सेल टाइप ट्रांसफॉर्मर, तो ये किस प्रकार का, कोर टाइप ट्रांसफॉर्मर, क्रोड को हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में, कोर बोलते हैं, तो कोर टाइप है ट्रांसफॉर्मर। इस ट्रांसफॉर्मर के क्रोड में दो चुंबकीय मार्ग होते हैं, तो जो चुंबकीय मार्ग किसमें होते हैं, सेल में, सेल में एच आता है तो एच की आकृति का मान लो बनाएंगे। चुंबकीय फ्लक्स लीकेज किस प्रकार के ट्रांसफॉर्मर में न्यूनतम होता है, तो बेरी टाइप में सबसे न्यूनतम मिलेगा आपको, ठीक है ना, सेल टाइप में दो नंबर पे, तेरे और सबसे ज़्यादा होता है क्रोड टाइप में, क्या होता है, सबसे ज़्यादा क्रोड टाइप में। निम्न में से कौन सा परिणाम ट्रांसफॉर्मर की क्षतियों के कारण होता है, कौन सा रिजल्ट है जो हमें ट्रांसफॉर्मर लॉसेज के कारण दिखाई देता है, तो वाइंडिंग शॉर्ट सर्किट हो जाती है, अचानक आवरण नष्ट हो जाता है, उष्मा पैदा होती है, सभी संभव है, ठीक है ना, यानी दोष के कारण वाइंडिंग गर्म हो जाती है, वाइंडिंग का लेमिनेशन उतर सकता है, यानी अचालक आवरण का मतलब इंसुलेशन खत्म हो सकता है, शॉर्ट सर्किट होने का खतरा रहता है, उष्मा पैदा होती है। ट्रांसफॉर्मर क्या है, जल भी सकता है। किस प्रकार का युग्मन एक ट्रांसफॉर्मर के प्राइमरी व द्वितीय कुंडली के मध्य होता है, किस प्रकार का, यानी कपलिंग किस प्रकार की होती है, तो आप कहोगे जी चुंबकीय कपलिंग होती है, ये दोनों वाइंडिंग विद्युतीय रूप से नहीं जुड़ी होती, किससे जुड़ी होती है, मैग्नेटिकली जुड़ी होती है। किस प्रकार का इस्पात क्रोड के निर्माण में प्रयोग होता है, किस प्रकार का इस्पात क्रोड के निर्माण में प्रयुक्त होता है, ठीक है, जिसकी उच्च चुंबकशीलता हो, उच्च हिस्टेरेसिस क्षति हो, उच्च चुंबकशीलता कम हिस्टेरेसिस क्षति हो, ऐसा प्रयोग होता है, यानी प्रीमेबिलिटी तो ज़्यादा हो लेकिन हिस्टेरेसिस लॉस जिसका कम होता है, ऐसा प्रयोग करते हैं आप, इसलिए हम सिलिकॉन स्टील का प्रयोग इसके अंदर किया जाता है।
किस प्रकार के 500 केवीए से कम क्षमता वाले ट्रांसफार्मर को ठंडा रखा जाता है? तो 500 केवीए से नीचे अगर ट्रांसफार्मर है तो उसे नेचुरली ठंडा किया जाता है वायु द्वारा, ठीक है ना, यानी नेचुरल एयर कूल्ड ट्रांसफार्मर होते हैं ये। कितनी क्षमता के ट्रांसफार्मर के लिए प्राकृतिक रूप से तेल शीतल प्रणाली का यूज किया जाता है, यानी तेल से ठंडे होने वाला ट्रांसफार्मर जो होता है उसका उपयोग कब कितनी क्षमता तक किया जाता है, कितनी क्षमता तक किया जाता है? तो आपका आंसर क्या रहने वाला है, ठीक है, 1000 केवीए, 1000 किलोवोल्ट एम्पियर तक। निम्न में से कौन सा गुण है जो एक अच्छे ट्रांसफार्मर का तेल का है, यानी अच्छे ट्रांसफार्मर का जो तेल का गुण होता है वो फ्लैशिंग पॉइंट क्या होना चाहिए? फ्लैशिंग पॉइंट ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है, नमी कम सोखने वाला होना चाहिए, उसकी श्यानता कम हो, श्यानता क्या होनी चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए, सॉरी श्यानता कम होनी चाहिए, यानी श्यानता हम दरों में घर्षण को बोलते हैं, ठीक है। तो श्यानता अच्छे सारे दिए हुए हैं, निम्न श्यानता कम नमी सोखने वाला, उच्च विशिष्ट ऊष्मा यानी स्पेसिफिक हीट उसकी ज़्यादा होनी चाहिए, उच्च ज्वलन बिंदु यानी फ्लैशिंग पॉइंट ज़्यादा होना चाहिए, अचालक होना चाहिए। तो इनमें से सभी आंसर आ जाएगा। कितने वाइंडिंग का प्रयोग ऑटो ट्रांसफार्मर में किया जाता है? तो ऑटो ट्रांसफार्मर में एक ही वाइंडिंग होती है, ठीक है, और ये सेल्फ इंडक्शन के सिद्धांत पर काम करता है। ट्रांसफार्मर की पूरी वाइंडिंग को प्राइमरी तथा कुछ अंश को सेकेंडरी की भांति प्रयोग किया जाता है, तो ऐसे ट्रांसफार्मर को हम क्या क्या कहते हैं, स्टेप अप कहते हैं, यानी ये पहली बात तो एक वाइंडिंग है, उसको कुछ टर्न को हमने सेकेंडरी के रूप में यूज किया है, तो ये ऑटो ट्रांसफार्मर है। और ऑटो भी कौन सा है, प्राइमरी ज़्यादा होगी सेकेंडरी कम होगी, तो यानी सेकेंडरी कम है वहाँ स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होगा, तो इसका आंसर क्या रहेगा आपका, स्टेप डाउन ऑटो ट्रांसफार्मर होता है। ऑटो ट्रांसफार्मर किस प्रकार कि नियम पर कार्य करता है? तो यह आपका स्वप्रेरण यानी जिसको हम सेल्फ इंडक्शन कहते हैं उस पर काम करता है, और बाकी सारे के सारे अनन्य प्रेरण पर काम करते हैं। कहाँ पर ऑटो ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है? तो ऑटोमोबाइल में प्रयोग किया जाता है, वोल्टता को लघु परिवर्तन होने पैदा करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है, और वोल्टेजता में स्वयं होने वाली परिवर्तन पैदा करने के लिए किया जाता है, मोबाइल फ़ोन में किया जाता है। तो ऑटो ट्रांसफार्मर ऑटोमोबाइल के अंदर प्रयोग होता है। किस गुण वाले इस्पात का प्रयोग क्रोड निर्माण में किया जाता है? तो जिसकी चुंबकशीलता उच्च और हिस्टेरेसिस लॉस कम हो उसका प्रयोग किया जाता है। वेराइक होता है, तो वेराइक क्या होता है कि वेराइक जो एक है मतलब ज़्यादा टैपिंग करने पर निर्माण होता है उसे बोलते हैं अपन, ठीक है। विभिन्न वोल्टता की एसी सप्लाई प्रदान करने वाला यानी वेराइक एक प्रकार का ट्रांसफार्मर है, और ट्रांसफार्मर के अंदर वेरी का मतलब वेरिएबल, ठीक है ना, वेराइक यानी वेरिएबल एसी, यानी हमें एसी का मान परिवर्तन करना है, यानी हमें ज़्यादा कम लेना होता है, कम ज़्यादा लेने के लिए हम सेकेंडरी वाइंडिंग में टैपिंग कर देते हैं, जो टैपिंग ज़्यादा हो जाए तो उसको वेरिएक बोलते हैं, ठीक है ना। तो कम ज़्यादा वोल्ट लेने के लिए भी इसका प्रयोग करते हैं, और 8 से 10 टैपिंग वाला ऑटो ट्रांसफार्मर ही होता है। तो ये बात हो जाएगी, डी पे जाके उठकेगी, ये भी दोनों सही है। कहाँ पर धारा ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है? करंट ट्रांसफार्मर का प्रयोग उच्च धारा मापने के लिए किया जाता है, वोल्टेज धारा मापने के लिए फ्रिक्वेंसी, तो धारा मापने के लिए एमीटर के साथ, और वो भी उच्च धारा मापी जाती है। पोटेंशियल ट्रांसफार्मर किस प्रकार का ट्रांसफार्मर होता है? पोटेंशियल ट्रांसफार्मर स्टेप डाउन प्रकार का ट्रांसफार्मर होता है, ठीक है ना, स्टेप डाउन प्रकार का, और करंट ट्रांसफार्मर स्टेप अप प्रकार का ट्रांसफार्मर होता है। निम्न में से कौन सा पावर ट्रांसफार्मर की केवीए क्षमता प्रयुक्त होता है? पावर ट्रांसफार्मर है वो किस केवीए तक प्रयोग होता है? पावर ट्रांसफार्मर की रेटिंग क्या होती है, याद रखो, पावर ट्रांसफार्मर की रेटिंग जो होती है वो होती है 2000 केवीए से 20000 केवीए तक, और स्टार डेल्टा संयोजित होता है, ठीक है। तो 2000 से लेकर 20000 तक केवीए पावर ट्रांसफार्मर जो यूज़ होते हैं ना ट्रांसमिशन लाइन के अंदर, उनको पावर ट्रांसफार्मर बोला जाता है, ठीक है, और या मतलब स्टेशनों वगैरह में यूज़ होते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन में लाइन में जो प्रयोग होते हैं उनको कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर, आपके घर के बाहर गली में लगा होगा उसे डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर बोला जाता है, और बाकी जो पीछे लगे हैं उन्हें पावर ट्रांसफार्मर कहा जाता है। उनकी रेटिंग 2000 से लेकर 20000 केवीए तक होती है। कितनी क्षमता के ट्रांसफार्मर हाई टेंशन ट्रांसफार्मर कहलाते हैं? तो कितनी क्षमता तक के ट्रांसफार्मर हाई टेंशन कहलाते हैं? तो ये कहलाते हैं 15000 केवीए से अधिक क्षमता के,
हाई टेंशन ट्रांसफार्मर कौन से कहलाते हैं? 15,000 KVA से अधिक क्षमता वाले। कंजर्वेटर का क्या कार्य होता है? तो कंजर्वेटर क्या करता है भैया, जब टैंक में तेल फैलता है तो उस तेल को फैलने के लिए जगह देता है, और जब वो तेल को ठंडा करने का भी ये काम करता है, और जब क्या हो जाता है तेल ठंडा होकर सिकुड़ता है तो वापस वो उसमें भेजने का काम करता है। ठीक है, तो कंजर्वेटर जो मुख्य टैंक के तेल फैलाव को स्थान देकर मुख्य टैंक से तेल का स्तर बनाए रखता है, यानी तेल का स्तर बनाए रखने का काम करता है। मुख्य टैंक के ऊपर स्थापित एक छोटा ऑयल टैंक होता है, ये बस सही बात है, दोनों ए भी हो जाएंगे। कंजर्वेटर संरक्षक बोलते हैं इसको। निम्नलिखित में किस प्रकार कार्य के लिए ट्रांसफॉर्मर ब्रीदर प्रयोग होता है? ब्रीदर क्या होता है? नमी को सोखने के लिए प्रयोग होता है। ठीक है ना, तेल से नमी को प्रवेश को रोकने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। क्लियर है। और तापमापी क्या है? तो तापमापी तापमान को मापने के लिए, किसका तापमान? एक तो मुख्य टैंक पे लगा होता है, और ट्रांसफार्मर के तेल को ताप को मापता है, यानी तेल को टेम्परेचर को मापने के लिए ट्रांसफार्मर में थर्मोमीटर का यूज़ किया जाता है। निम्न में से कौन सा ट्रांसफार्मर में प्रयुक्त सुरक्षा युक्ति है? तो सुरक्षा युक्ति कौन सी है? ठीक है ना, बुकोल्ज रिले भी है और यह भी सुरक्षा करती है, एक्सप्लोजन वेंट भी है जो क्या है, विस्फोट से बचाता है ट्रांसफार्मर को ज़्यादा गैस बनने के बाद में। तो ए भी दोनों हो जाएंगे, दोनों क्या है, प्रोटेक्शन डिवाइस हैं। सत्य कौन सा है? एक्सप्लोजन वेंट कंजर्वेटर को मुख्य टैंक से जोड़ने वाले पाइप पर स्थापित किया जाता है, ऐसा नहीं है, मुख्य टैंक के साथ स्थापित किया जाता है। ठीक है, बुकोल्ज रिले जो है ट्रांसफार्मर आयल का दबाव नियंत्रण करता है, बुकोल्ज रिले ऐसा कुछ नहीं करता, बुकोल्ज रिले सुरक्षा करता है ज़्यादा गर्मी होने के बाद इसको सप्लाई से काटने का। एक्सप्लोजन वेंट को प्रेशर रिलीज वाल्व भी कहते हैं, ये बात सही है। ठीक है ना, क्योंकि एक्सप्लोजन का मतलब ही होता है विस्फोट। ठीक है ना, तो विस्फोट, वेंट का मतलब होता है जैसे वेंटिलेशन सुना हो आपने, वेंट का मतलब जगह, जैसे आपने वेंट प्लग बैटरी के अंदर सुना होगा, तो वेंट का मतलब होता है जगह, एक मतलब जिससे गैस बाहर निकाली जाए, चाहे घर में वेंटिलेशन कह देते हैं आप। वेंटिलेशन किसके लिए यूज होता है? यानी घर के अंदर की जो हुमस वगैरह को बाहर निकालने के लिए, या शुद्ध जो हवा होती है, गर्म हवा है, उसको बाहर निकालने के लिए प्रयोग करते हैं आप वेंटिलेशन। वेंटिलेशन जैसे आप रोशनदान का प्रयोग करते थे पहले, आजकल वेंटिलेशन घरों के मतलब कोठी टाइप बनाए जाते हैं तो पीछे वेंटिलेशन लगाया जाता है, तो इसलिए। तो वेंट का मतलब है एक्सप्लोजन वेंट को प्रेशर, ये क्या करता है, बहुत ज़्यादा ट्रांसफार्मर गर्म हो जाएगा तो टैंक को फटने से बचाता है, ये वाल्व निकल कर क्या कर देता है, गैस को बाहर रिलीज करने का काम करता है। क्लास अच्छी लगे और प्यारी लगे तो वीडियो को लाइक कमेंट ज़रूर करें। ठीक है, और कमेंट से पता चलता है भी आप कितना चाहते हो, कितना मतलब वीडियो को प्यार दे रहे हो, किस प्रकार से आप लाइक करके कमेंट करके ज़रूर बताएं, ताकि क्लास रेगुलर चलती रहे। क्लास क्योंकि जब एक घंटे की क्लास बनाते हैं तो एक घंटे लगातार सांस भी नहीं लिया जाता भाई, इतनी स्पीड से। ठीक है, और ये क्वेश्चन देख के सीधा का सीधा करवाना, थोड़ा पजलिंग भी हो जाता है कई बार भी, इसका आंसर क्या आएगा, ऐसा हो जाता है, सबके साथ होता है, नॉर्मली ह्यूमन नेचर है। ठीक है ना, कई बार दिमाग से, क्योंकि ये मैंने जो आपको जो वीडियो मिल रही है ना, डेली की डेली वीडियो मिल रही है, ये वीडियो ज़्यादा दिन में नहीं बनाई है, एक एक दिन में मैंने 6-6, 7-7 घंटे मेहनत की है इसके ऊपर, ताकि आपको मिल सके। 2-3 दिन रेस्ट था, मैंने सोचा आपको वीडियो बना के दे दें, रेगुलरिटी बनी रहेगी। ठीक है, आपने देखा भी होगा, तो एक दिन के अंदर आज के मतलब चौथी पांचवी क्लास होगी, 4-5 घंटे हो गए होंगे लगभग बोलते हुए, तो सोच के देखो भी आप, हमारी छुट्टी जो है वो भी आपकी सेवा के लिए है, तो आपका इतना फ़र्ज बनता है भी, लाइक कमेंट ज़रूर किया करो यार। ठीक है ना, अच्छा लगता है, प्यार सा बनता है आपकी तरफ, मतलब एक ज़्यादा जिम्मेवारी बनती है। ठीक है, लाइक्स कमेंट आने से क्या होता है भी, ऐसा लगता है भी यार इन्हें पढ़ाना चाहिए, बच्चे को सिलेक्शन दिलाने के लिए मेहनत करनी चाहिए। और लाइक कमेंट जब रिस्पांस नहीं आता है, तो आपको भी रिस्पांस नहीं मिले तो आप भी काम नहीं कर पाओगे, नॉर्मल सी बात है। फिर दुगनी मेहनत करने का दिल करता है जब आपका रिस्पांस अच्छा होता है। ठीक है ना, क्योंकि हमारा काम यहाँ पे ये नहीं है, बस आए कोर्स बेच दिया, आए कोर्स बेच दिया, आए कोर्स बेच दिया। हो सकता है पिछले 2-2.5 महीने 3 महीने हो गए मैंने कोर्स का जिक्र भी नहीं किया होगा, क्योंकि आपकी रेगुलरिटी ज़रूरी है, मेन चीज़ है। और जिसको लेना है वो तो आराम से ले ही सकता है। ठीक है, उसे पता भी है अभी क्या मिल रहा है। जिसने ले रखा है वो क्या कहता है, सर जी एक वीडियो भी एक क्वेश्चन भी है ना, आप यूट्यूब पे मत कराओ जो कोर्स ले रखे हैं। बोले जी यहाँ करवाने से हमारा कंपटीशन बढ़ता है। तो सोच के देखो भी किस हद तक का कंटेंट दिया होगा, तो नॉर्मल सी बात है। बाकी आपकी मर्जी रहती है यार, आपको अच्छा लगता है वो लेता है, नहीं तो जिसको लगता है अभी यहाँ से पढ़ने से सिलेक्शन हो जाएगा वो लेता है, बाकी भटकने से अगर सिलेक्शन होता है तो बात ही किस कोई और है। ठीक है,
और जिसको मतलब उम्मीद होती है, लोग लाखों रुपए अपनी नौकरियों का दांव पर लगा दिया था, देखो लाखों रुपए लेके घूमते हैं, नौकरी नहीं मिलती, और आप पढ़ के मतलब थोड़े से नॉर्मल से पैसे में आपको टीचर कंटेंट प्रोवाइड करवा रहे हैं, तो आपका युग जो है स्टडी लाइन में सस्ता सा युग है। ठीक है, रोने को तो रोते रहेंगे, आपके पास 1 करोड़ रुपए होंगे तो भी आप रोओगे, गारंटी है, आपके पास 1 लाख है तो भी आप रोओगे, क्योंकि आपने ये कहावत सुनी होगी, ज़्यादा पैसे वाला ज़्यादा रोता है। ठीक है, तो हर जगह ये कहानी है, आप अभी भी आपके पास जितना है उतना भी बहुत सफिशेंट है, जो इतना भी लोगों के पास नहीं है, जो आपके पास अभी है वो भी लोगों के पास नहीं है। ठीक है ना, तो बोलो जी आप पैसे क्यों कमा, हम तो भैया पैसे नहीं कमा रहे, जो एक मेहनत करते हैं इसके पीछे कंटेंट राइटर पढ़ा दिखड़ा ये वो टेक्निकल कोई वाईफाई वो ये खर्चा होता है, वैसे नॉर्मल खर्चा होता है, यहाँ कोई मैंने यहाँ ये नहीं अभी ओडी खरीद ली है। कौन सा बकौल जरिल है, तो पढ़ाई पे ध्यान दीजिए अपना और बढ़िया तरीके से पढ़िए। ठीक है, हम हमारी तरफ से मेहनत कर रहे हैं, आप करिए, और जो मेहनत करेंगे वो लगेंगे, कोई ज़रूरी नहीं है भी सारे पढ़ो को, अरे सारे पढ़ेंगे तो फिर अपने चेले कैसे लगेंगे। ठीक है ना, तो आप जितने भी हैं सारे के सारे लग जाओगे। ट्रांसफॉर्मर के कोर के साथ जुड़ा होता है बकौल जरिले, कहाँ जुड़ा होता है पता है, बकौल जरिले जो होता है ना, बकौल जरिले जो होता है रिले के बारे में सत्य है, बकौल रिले कंजर्वेटर टैंक और मेन टैंक के बीच में लगाया जाता है, इसके अंदर 2 मरकरी स्विच होते हैं, गैसीय आधारित रिले होता है। ठीक है ना, गैसीय आधारित रिले होता है, और ये अलार्म पहला मरकरी स्विच अलार्म बजाता है, दूसरा क्या करता है सर्किट को ओपन करने का काम करता है, तो ये बकौल रिले की सच्चाई है, आंतरिक सुरक्षा से आंतरिक दोष से सुरक्षा देता है। ठीक है, तो कोर के साथ नहीं जुड़ा होता, दोष की सूचना अलार्म बेल बजा कर देता है, 2 फ्लोट होते हैं जैसे 2 फ्लोट, इनमें से जुड़े 2 मरकरी स्विच होते हैं, पहले ही बता चुका हूँ मैं, तो बी और सी दोनों हो जाएंगे। कोर का तथ्य है टेप्ड ट्रांसफॉर्मर के बारे में सही है, टेप तेल बाहर निकालने को टेप कहा जाता है, ऐसा नहीं कहा जाता, सेकेंडरी वाइंडिंग में वाइंडिंग को अलग अलग से उसकी कनेक्शन बाहर निकालना कहलाता है। आकार में बड़ा ट्रांसफार्मर होता है, तेल बाहर निकालने को टेप कहा जाता है। वोल्टता समासयोजन, समासयोजन का मतलब है एडजस्ट करना या वेरिएबल बनाना, यानी अलग अलग वोल्टेज पर सेट करने के लिए द्वितीय कुंडली के मध्य में टेपिंग निकालने को हम कहते हैं, क्या कहते हैं, तो उसको हम कहते हैं टेप्ड ट्रांसफार्मर, और ये बिजली घरों में लगा होता है डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में, लोड को मेंटेन करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। किसी कारणवश पोर्सलिन बुर्सेज या ट्रांसफॉर्मर बुशेज का प्रयोग होता है, किस कारणवश, यानी पोर्सलिन बुशेज या ट्रांसफॉर्मर टीएफ बुशिंग का प्रयोग होता है, तो प्राथमिक द्वितीय कुंडली को आपस में संयोजित करने के लिए इसका प्रयोग होता है। ठीक है, संयोजक केबल को ट्रांसफॉर्मर की बॉडी से पृथक करता है, ये सही है। पोर्सलिन क्या है, अचालक पदार्थ है, अचालक पदार्थ है तो ये क्या करेगा, जो आप ट्रांसफॉर्मर के ऊपर कनेक्शन करते हैं तो वहाँ पर क्या लगे होते हैं, बुशेज लगे होते हैं, उन्हें बुशेज बोलते हैं, जो कनेक्ट करने का काम करते हैं इनपुट आउटपुट को। ठीक है, तो संयोजक केबल जो होती है यानी कनेक्टिंग जो केबल होती है उसको बॉडी से क्या कहें, सेपरेट करने का काम करता है। इनमें से कौन सा ट्रांसफॉर्मर ईएमएफ बल ज्ञात करने के लिए प्रयोग किया जाता है, तो ईएमएफ बल ज्ञात करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो पहला ही ऑप्शन हो जाएगा आपका, ईएमएफ जो होता है 4.445 FN होता है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी टर्नों की संख्या फ्लक्स, ट्रांसफॉर्मेशन रेशो जो होता है वो क्या होता है, तो ट्रांसफॉर्मेशन रेशो होता है आपका सेकेंडरी वोल्टेज बटे में प्राइमरी वोल्टेज। ठीक है ना, और सेकेंडरी टर्न बटे में प्राइमरी टर्न, और प्राइमरी करंट बटे में सेकेंडरी करंट, तो इस प्रकार का ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है जहाँ प्राइमरी वोल्टेज प्राइमरी सेकेंडरी। ठीक है, तो ये डी गलत हो जाएगा, सी सही हो जाएगा, प्राइमरी वोल्टेज सेकेंडरी वोल्टेज बटे में प्राइमरी वोल्टेज, प्राइमरी करंट बटे में सेकेंडरी करंट, और सेकेंडरी टर्न बटे में प्राइमरी टर्न। इसमें कौन सा ट्रांसफॉर्मर में वोल्टता नियमन का सूत्र है, देखो अगर आपने, चलो छोड़ो यार, ट्रांसफॉर्मर वोल्टेज रेगुलेशन का सूत्र कौन सा है, देखो तो इसका आंसर आपका होगा भी वोल्टेज नो लोड वोल्टेज माइनस में फुल लोड वोल्टेज बटे में फुल लोड वोल्टेज गुणा में 100, तो ये परसेंट हो जाएगा आपका VR परसेंटेज, यानी वोल्टेज रेगुलेशन परसेंटेज जो होता है।
अगला क्वेश्चन है, ट्रांसफॉर्मर की प्राथमिक व द्वितीयक कुंडली सदैव भिन्न संख्या से लपेट होती है, एक व्यास तथा ताम्र तार प्रयोग किया जाता है, पृथक पृथक चुंबकीय प्रिपत होते हैं, एक विद्युतीय संबंध होता है। तो आपका आंसर क्या रहने वाला है इसका, भिन्न संख्या में लपेटी होती है, ठीक है, किस संख्या में, भिन्न संख्या में। कितने क्षमता ट्रांसफॉर्मर के लिए वायु ब्लास्ट कूलिंग उपयुक्त होती है, यानी ज़्यादा बड़े ट्रांसफॉर्मर होते हैं उसके अंदर वायु कूलिंग जो है उसको उचित माना जाता है, तो वो कितने होते हैं, 10,000 KVA, 10,000 KVA। एक ट्रांसफॉर्मर जो शून्य लोड पर प्रचालित है के प्राइमरी वाइंडिंग के द्वारा लिया गया करंट कैसा होगा, एक ट्रांसफॉर्मर जो शून्य लोड पर प्रचालित है और के लिए प्राइमरी वाइंडिंग द्वारा लिया करंट कैसा होगा, शून्य लोड पर प्रचालित है, प्राइमरी वाइंडिंग के द्वारा लिया गया करंट किसके बराबर हो जाएगा, फ्लक्स व चुंबकीकरण करने के लिए प्रयुक्त धारा होगी, सप्लाई से लोहे क्षतियों के लिए प्रयोग की गई धारा होगी, दोनों धाराओं का सदिश जोड़ होगा, दोनों धाराओं का बीजगणित सदिश जोड़ होगा या बीजगणितीय जोड़ होगा, ठीक है, तो आंसर क्या होगा, सदिश जोड़ होगा, दोनों धाराओं का सदिश जोड़ होगा। शून्य लोड पे ट्रांसफॉर्मर क्या ऑपरेटेड हो रहा है और प्राइमरी वाइंडिंग में लिया गया करंट कैसा होगा, तो दोनों के सदिश जोड़ के बराबर होगा। एक ट्रांसफॉर्मर का फ्लक्स कैसा होगा जब उसकी सेकेंडरी लोडेड हो, फ्लक्स कैसा होगा जब सेकेंडरी वाइंडिंग लोड पे हो, लोडेड का मतलब हो गया बाहर के साथ जुड़ी हो, स्थिर रहेगा, प्राइमरी वाइंडिंग द्वारा ली गई धारा की अतिरिक्त मात्रा के समानुपाती होगा, ठीक है, सेकेंडरी धारा के समानुपाती होगा, तो फ्लक्स जो होगा एक ट्रांसफॉर्मर का फ्लक्स क्या रहता है, स्थिर रहता है, क्या रहता है, स्थिर रहता है। कौन सा शर्त ट्रांसफॉर्मर को समांतर क्रम में चलाने के लिए उपयुक्त है, ध्रुवता समान होनी चाहिए, वोल्टता अनुपात समान होना चाहिए, इम्पीडेंस प्रतिशतता समान होनी चाहिए, तो ये सारे के सारे सही हैं, उपरोक्त सभी ऑप्शन में दिया होगा इसमें डी, ठीक है ना, उपरोक्त सभी आएगा, यानी पोलरिटी भी समान हो, ठीक है, ध्रुवता इसे नहीं कह पाएंगे यार, ठीक है, इसे फेज सिक्वेंस कहेंगे तो अच्छा लगेगा, ठीक है ना, ध्रुवता तो डीसी के अंदर प्रयोग करते हैं आप, ठीक है, तो ध्रुवता तो नहीं कहेंगे, तो यहाँ पर फेज सीक्वेंस कहें तो अच्छा रहेगा ना, फिर फेज सीक्वेंस क्या होता है, समान होना चाहिए। यह क्षति ट्रांसफॉर्मर के लोड बदलने से भी नियत रहती है, यानी लोड पर निर्भर करने वाली हानि कौन सी है, तो कॉपर लॉसेज है, सीधा सीधा कह दो, ठीक है, लेकिन लोड के ऊपर नियत रहती है तो आप कह दो लोहे हानियाँ हैं, ठीक है, तो इसके अंदर आंसर क्या रहेगा, इसने पूछा क्या है, तो बोले जी नियत रहती है, तो जो कॉन्स्ट स्थिर हानियाँ होती है वो लोहे हानियाँ होती है, ठीक है, लोड बदलने पर हानि बदलती है तो वो ताम्र हानियाँ होती है, कॉपर लॉसेज होते हैं। कौन सी क्षति मान आवृत्ति के बढ़ने पर बढ़ता है, तो हिस्टेरेसिस और एडी करंट दोनों की दोनों हानियाँ जो है आवृत्ति के समानुपाती होती है, ठीक है ना, तो ये ए भी दोनों का मान बढ़ता है। किस परीक्षण के द्वारा ट्रांसफॉर्मर की लोहे क्षति ज्ञात होती है, तो ओपन सर्किट से भी होती है, शॉर्ट सर्किट से भी होती है, हाई सर्किट से भी होती है, फुल लोड द्वारा भी होती है, तो किससे होता है, लोहे हानि ज्ञात करने के लिए हम ओपन सर्किट करते हैं, क्या करते हैं, हम ओपन सर्किट करते हैं, ओपन दूसरी सेकेंडरी वाइंडिंग को ओपन रखा जाता है, ठीक है, प्राइमरी वो वाइंडिंग को रेटेड वोल्टेज पर जोड़ा जाता है, तो उसके अंदर जो खपत हो रही पावर है वो किसको दर्शाती है, लोहे हानियों को, आयरन लॉसेस को दर्शाती है, तो ऑप्शन ए सही है। किस वाइंडिंग को ओपन सर्किट करेंगे, जब ओपन सर्किट परीक्षण करना हो तो सेकेंडरी वाइंडिंग को ओपन रखते हैं भैया, किसको रखते हैं, द्वितीय ओपन सर्किट रखा जाता है, ठीक है, नॉर्मली हम सेकेंडरी को रखते हैं लेकिन इसने क्वेश्चन का घुमा दिया है, प्राथमिक वाइंडिंग को ओपन रखते हैं, तो आप जिस किधर भी सप्लाई जोड़ लोगे परीक्षण के समय तो दोनों में से किसी एक को ओपन सर्किट रखा जाता है, ठीक है, इसका आंसर ये हो जाएगा अगर ऐसा दिया है, नहीं तो नॉर्मली सामान्यतः साधारणतः दिया होता तो हम सेकेंडरी वाइंडिंग कहेंगे। किस वाइंडिंग को शॉर्ट करेंगे,
ठीक है, किस वाइंडिंग को शॉर्ट करेंगे, ये अच्छी बात है। ठीक है, तो शॉर्ट सर्किट टेस्ट किया जाता है, शॉर्ट सर्किट टेस्ट किया जाता है आपका किसके लिए, कॉपर लॉसेज को जानने के लिए। ठीक है, तो उच्च वोल्टता वाली वाइंडिंग को नहीं करेंगे, निम्न वोल्टता वाली वाइंडिंग को शॉर्ट किया जाता है। ठीक है ना, कौन सी, निम्न वोल्टता वाली वाइंडिंग को शॉर्ट किया जाता है, लो वोल्टेज। ट्रांसफार्मर की रेटिंग जो होती है वो केवीए में ली जाती है, आपको सबको पता है, किलो वोल्ट एम्पियर में। अल्टरनेटर केवीए में ली जाती है, और आपकी ये इसकी भी इन्वर्टर की भी केवीए में ली जाती है। कौन सा सूत्र ट्रांसफार्मर की दक्षता बताता है, तो किलो वोल्ट किलो वाट है बटे में किलो वाट प्लस तांबर हानि व लोहे हानि, यानी आउटपुट बटे इनपुट होता है। तो इनपुट के अंदर आपकी लोहे हानियाँ और तांबर हानियों के जब जोड़ देते हैं तो हमें क्या मिलता है, नीचे इनपुट मिल जाता है। अभी आउटपुट प्लस में लोहे हानि और तांबर हानि, तो नीचे रख लेते हैं, तो ये आंसर हो जाएगा इसका। तो ये क्या हो गया, इनपुट हो गया और ये क्या हो गया, आउटपुट हो गया, गुणा में क्या किया मैंने, सो। तो परसेंट जानने के लिए सो किया, तो ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा आपका, ऑप्शन हो जाएगा बी राइट। अगला क्वेश्चन है, किस कारण से ट्रांसफार्मर की दक्षता उच्च होती है, क्योंकि इसके अंदर है ना घर्षण हानि और विंडेज हानियाँ नहीं होती, इसलिए इसकी क्षमता उच्च होती है। ट्रांसफार्मर जब चैप्टर स्टार्ट करवाता हूँ तो ये सारे क्वेश्चन करवा देता हूँ मैं, ठीक है। तो घर्षण हानि विंडेज हानि नहीं होती, इसके कारण इसकी क्या होती है, क्षमता उच्च होती है। ट्रांसफार्मर के पूरे दिन की दक्षता ज्ञात करने के लिए उपयोग की, तो हम क्या करते हैं, ट्रांसफार्मर पूर्ण दिन दक्षता, फुल डे एफिशिएंसी हम याद कर ज्ञात किस में करते हैं, तो फुल डे एफिशिएंसी हम ज्ञात करते हैं किस में, तो हम कहेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर में, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर में। तो इसका आंसर देख लो कौन सा होगा, अब प्रतिदिन उपयोग की गई किलोवाट हावर और प्रतिदिन दी गई सप्लाई, यानी पूरे दिन में कितने उपयोग किया गया और कितनी सप्लाई दी गई, ठीक है ना, सी ऑप्शन हो जाएगा। किस शर्त पर ट्रांसफार्मर की दक्षता अधिकतम होती है, अगर लोहे हानि ताम्र हानियों के बराबर हो जाती है तो उस समय क्या हो जाता है, दक्षता अधिकतम होगी, यानी स्थिर हानियां अस्थिर हानियों के बराबर हो जाए, दोनों का अनुपात एक अनुपात एक। किस कारणवश वितरण ट्रांसफार्मर को कम लोहे क्षति के लिए डिजाइन करते हैं, कम लोहे हानि, लोहे हानि से मैं एकरूपता पैदा करती है, प्राथमिक गुणों 24 घंटे उत्तेजित रहती है। देखो क्षेत्र नंबर का क्या होगा, क्षति में ट्रांसफार्मर तेल गर्म हो जाता है, कम लोहे हानि क्षति के लिए, कम लोहे हानि, कम लोहे हानि के लिए क्षति के लिए अभी डिजाइन करते हैं। तो कारणवश कौन सा होगा, लोहे क्षति से ट्रांसफार्मर गर्म हो जाता है, लोहे क्षति से इंसुलेशन नष्ट हो जाता है, लोहे क्षति से समय एकरूपता पैदा होती है, ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली 24 घंटे सप्लाई के साथ उत्तेजित रहती है। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा ये आपका क्या हो जाएगा, डी, क्षेत्र का क्या हो जाएगा, डी। ठीक है, स्थित्र का आंसर देखिए, पूर्ण लोड पूर्ण दक्षता कार्यता, एक ट्रांसफार्मर जो है पूर्ण लोड पर पूर्ण दक्षता कार्यता है, ताम्र हानि जो है 1600 वाट है, तो अर्ध लोड पर ताम्र हानि क्या होगी, अर्ध लोड पर ताम्र हानि क्या होगी, तो आधे लोड यानी स्क्वेयर कर दो, 1/2 का 1/4 आ जाएगा, चौथा हिस्सा यानी 400 वाट आंसर आएगा, चौथा हिस्सा रह जाएगा। किस परिमाण को बदलने के लिए ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है, नॉर्मली हम वोल्टता बदलने के लिए ट्रांसफार्मर का प्रयोग करते हैं, स्टेप डाउन स्टेप अप। एम्पलीफायर की तुलना में ट्रांसफार्मर आउटपुट वोल्टता नहीं बढ़ाता, आउटपुट धारा नहीं बढ़ा सकता, आउटपुट कुछ उपरोक्त में से कुछ भी नहीं बढ़ा सकता। एम्पलीफायर की तुलना में ट्रांसफार्मर पावर नहीं बढ़ा सकता, अगर एम्पलीफायर पावर बढ़ा सकता है, आवृत्ति को घटा बढ़ा सकता है, सिर्फ और सिर्फ ट्रांसफार्मर धारा वोल्टता को बढ़ा घटा सकता है, ठीक है ना, और एम्पलीफायर वोल्टता भी घटा बढ़ा सकता है आपका ट्रांस, और आपकी धारा भी घटा बढ़ा सकता है, आवृत्ति भी बढ़ा घटा सकता है, और आपकी शक्ति भी घटा बढ़ा सकता है। ट्रांसफार्मर तेल का उपयोग करने का उद्देश्य होता है लुब्रिकेशन, इंसुलेशन व शीतलन, यानी ये दोनों, एक तो ठंडा करने के काम आता है, कूलिंग के लिए कूलेंट के रूप में प्रयोग करते हैं, एक इसका इंसुलेशन यानी इंसुलेटर के रूप में हम प्रयोग करते हैं। तो अचालक का गुण होना चाहिए, और दूसरा ये मतलब
गर्मी को उष्मा का अच्छा सुचालक होना चाहिए ताकि जल्दी से जल्दी उष्मा को सोख कर वो ट्रांसफ़र कर सके। तीन फेज डेल्टा ट्रांसफॉर्मर एक फेज कुंडलन जल जाए तो क्या प्रदान करेगा? ठीक, पूर्ण शक्ति, शून्य शक्ति, तो 58% लोड। तो आपका आंसर क्या रहने वाला है? एक सेकंड हो जाइए भैया, क्या हो गया? तो 57.7% होता है ये, 57.7 लगभग क्या होगा, 58% पावर प्रदान करेगा एक कुंडली। लघु वितरण ट्रांसफार्मर यानी जो आपका छोटा डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर है, कौन सी सुरक्षा युक्ति प्रयोग नहीं होती? तो अधिक धारा सुरक्षा, प्रेशर रिलीज वाल्व, बुकोल्ज रिले, ये सभी। तो 82 का आंसर क्या जाएगा? न तो बुकोल्ज रिले प्रयोग होता है इसके अंदर, ठीक है, न तो इसके अंदर बुकोल्ज रिले प्रयोग होता है और न ही प्रेशर रिलीज वाल्व प्रयोग होता है, यानी आपका एक्सप्लोजन वाल्व भी, वेंट भी प्रयोग नहीं होता और अवर करंट प्रोटेक्शन भी इसके अंदर प्रयोग नहीं करते हैं छोटे ट्रांसफार्मर के लिए। नमी सोखने के लिए सिलिका जल का रंग कैसा हो जाएगा? नमी सोखने के बाद क्या हो जाता है? लाल हो जाता है, पीला हो जाता है, भूरा सफ़ेद हो जाता है। तो आपका आंसर इसके हिसाब से, ऑप्शन के हिसाब से जो है भूरा सफ़ेद रहेगा, वैसे गुलाबी हो जाता है, ठीक है, तो ऐसे क्या हो जाता है, गुलाबी हो जाता है। शून्य लोड अवस्था में आदर्श ट्रांसफॉर्मर को प्रदान की गई प्राथमिक वोल्टता के द्वारा संतुलित होती है। शून्य लोड अवस्था में आदर्श ट्रांसफॉर्मर को प्रदान की गई प्राथमिक वोल्टता के द्वारा संतुलित होती है द्वितीय वोल्टेज के कारण, ठीक है, प्राथमिक कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल के कारण, द्वितीय कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक के कल और प्राथमिक कुंडलन में पैदा हुई वोल्टेज ह्रास के कारण। तो इसका आंसर आएगा प्राथमिक जो वाइंडिंग होती है, प्राइमरी वाइंडिंग में जो इंड्यूस ईएमएफ होता है उसके कारण संतुलित होती है। ट्रांसफॉर्मर में आवृत्ति में बदलाव के साथ क्या होगा? आवृत्ति में बदलाव होगा तो ताम्र हानियों पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ताम्र हानियाँ अपरिवर्तित रहेगी और लोहे हानियाँ घट बढ़ जाएगी, ठीक है ना, लोहे हानियाँ क्या होती है, घटती बढ़ती है, तो ताम्र हानियाँ अपरिवर्तित रहती है आवृत्ति में बदलाव के कारण। ट्रांसफॉर्मर में निम्न में से कौन सी क्षति शून्य होती है, यानी कौन सा लॉसेस जीरो होता है? तो आप कहोगे जी जो आपकी ताम्र हानि होती है, लोहे हानि होती है, तो ये मशीनी लॉस नहीं होता, ठीक है ना, यांत्रिक लॉसेस जो होते हैं इसके अंदर नहीं होते, मैकेनिकल लॉसेस नहीं होते। स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर में प्राथमिक द्वितीय कुंडलियों में से कौन से प्रचालन एक समान रहता है, कौन सा प्रचालन समान रहता है? तो पावर समान रहती है, क्या रहती है, पावर। स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर है उसमें वोल्टेज बदल जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी, करंट कम हो जाएगा, दोनों बदल गई ना, तो लेकिन पावर सेम रहेगी, यानी वी आई आई जो होती है, यानी पी बराबर हम वी आई लिखते हैं वो बराबर रहेगी। ट्रांसफॉर्मर निम्नलिखित में से किस प्रकार की युक्ति है? ट्रांसफॉर्मर निम्नलिखित में से किस प्रकार की युक्ति है? स्थैतिक युक्ति है। सेकेंडरी वाइंडिंग में ईएमएफ किस पर निर्भर करता है? टर्नों की संख्या पर, ठीक है ना, फ्लक्स पे, सप्लाई, आवृत्ति पे, तो किस पे निर्भर करता है? तो आपका उपयुक्त है सभी पे, ना 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 ना। अगला क्वेश्चन है आपका, ट्रांसफॉर्मर की दक्षता अधिक होती है क्योंकि ताम्र हानियां कम होती है, घर्षण विंडेज हानि नहीं होती। तेल से भरे ट्रांसफॉर्मर में तेल का कार्य बता दीजिए। इंसुलेशन प्रदान करता है भाई और शीतलन प्रदान करता है, तापावरोधन, शीतलन, प्रकाश से बचाव, शॉर्ट सर्किट, तो तापावरोधन यानी ताप से बचाने का काम करता है और शीतलन का काम है करता है। दो ट्रांसफॉर्मर समांतर में चल रहे हैं, दोनों निम्नलिखित के आधार पर लोड का सहभाजन करेंगे, तो किसके आधार पे करेंगे? तो आपका आंसर सीधा सीधा जानना चाहिए भी, पर
ठीक है, यूनिट इम्पीडेंस के हिसाब से, ठीक है ना। तो पर यूनिट इम्पीडेंस जो होता है उसके आधार पे लोड का विभाजन करेंगे भी, कितना लोड किसको जाएगा, तो उसका इम्पीडेंस का अनुपात जो होता है उसके हिसाब से लोड पे डिपेंड करता है, लोड डिपेंड करता है, क्या ना। ट्रांसफॉर्मर का क्रोड बनाने के लिए उपयुक्त सामग्री क्या होती है, तो कोल्ड रोल्ड है, ग्रेनाइट, क्या बोलते हैं, ओरिएंटेड है। ठीक है, तो ये हो गया आपका कोल्ड रोल्ड है, ठीक है। तो अतपत वेलित कण है, विनयत इस्पात है, तो यानी CRGO जिसको बोलते हो आप, ठीक है ना, CRGO जिसको बोलते हो, ग्रेन ओरिएंटेड है, कोल्ड रोल्ड है, स्टील। धारा ट्रांसफार्मर की प्राइमरी फेरों की संख्या आम तौर पर होती है, ये देखो धारा ट्रांसफार्मर है, स्टेप अप प्रकार का ट्रांसफार्मर है, प्राइमरी वाइंडिंग 1 से 5 टर्न रखी जाती है, क्या रखी जाती है, प्राइमरी टर्न 1 से 5 रखी जाती है, प्राइमरी टर्नों की संख्या 1 से 5 होती है। ट्रांसफार्मर में प्राइमरी और सेकेंडरी के बीच प्रतिरोध कितने ओम होता है, तो प्राइमरी सेकेंडरी के बीच अनंत प्रतिरोध होता है जनाब, कितना होता रे, इन्फिनिटी, क्योंकि जुड़ी नहीं होती है, खुली बीच में जगह होती है ना, तेल भरा होता है। एक धारक ट्रांसफार्मर का भार कालिस्तान में अभिव्यक्त किया जाता है, तो धारा ट्रांसफार्मर है, वाह जी वाह, तो किस में किया जाएगा, वोल्ट एम्पियर में ही किया जाता है इसका, किस में, ट्रांसफार्मर का KVA या VA या MVA में किया जाता है, या तो वोल्ट एम्पियर, किलो वोल्ट एम्पियर, मेगा वोल्ट एम्पियर। उच्चतम रेटिंग का ट्रांसफार्मर जो है, अच्छी बात है, यानी हाई रेटिंग का ट्रांसफार्मर है, निम्नलिखित में किस अनुप्रयोग में लाया जाता है, हाई रेटिंग का ट्रांसफार्मर, आपको पता ही, ऑप्शन देख के आपको पता चल जाएगा, तो संचारण के लिए, वितरण के लिए, ठीक है, जनरेटर के लिए, सब स्टेशन के लिए, ठीक है। तो वैसे ट्रांसमिशन के लिए प्रयोग होता है ये, किसके लिए प्रयोग होता है, संचारण, अगर ट्रांसमिशन है तो ऑप्शन सही है, ठीक है ना। ट्रांसफॉर्मर के समांतर ऑपरेशन के बारे में कथन बताइए, पैरेलल ऑपरेशन जो होता है उसके बारे में आपको कुछ कथन दिए गए हैं, वो बताइए। ट्रांसफॉर्मर दोनों को एक ही आवृत्ति पे चलाया जाता है, बात 100% की है, सही बात कही है। ट्रांसफॉर्मर की वोल्टेज रेटिंग एक जैसी होनी चाहिए, तो 98 का जो आपका ऑप्शन होगा वो क्या हो जाएगा, वोल्टेज रेटिंग होनी चाहिए, क्षमता जो दक्षता, रेटिंग समान होने की कोई ज़रूरी नहीं है, फेज सिक्वेंस समान होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस कारण से बड़े ट्रांसफार्मर में तेल का उपयोग निरपवाद रूप से किया जाता है, बड़े ट्रांसफार्मर में तेल का उपयोग किया जाता है, क्यों किया जाता है बताइए, संचालन हेतु ईंधन उपलब्ध कराने के लिए, कोर को लुब्रिकेंट करने के लिए, कोयल को लुब्रिकेंट करने के लिए, कोर को इंसुलेट करने के लिए, हाँ कोर को इंसुलेट करने के लिए, ठीक है ना, कोर को इंसुलेट करने के लिए ट्रांसफार्मर में तेल का प्रयोग किया जाता है भैया, आसान क्वेश्चन है ना, बिल्कुल आसान, बिल्कुल प्यारे, ठीक है ना। पूर्ण भार लोड पर ट्रांसफार्मर पर शक्ति ट्रांसफार्मर की दक्षता होती है, पूर्ण लोड पर शक्ति ट्रांसफार्मर, पावर ट्रांसफार्मर की दक्षता कितनी होती है, तो पूर्ण लोड पर होती है आपकी अधिकतम, ठीक है ना, क्योंकि पूर्ण लोड के हिसाब से पावर ट्रांसफार्मर को डिजाइन किया जाता है, पूर्ण लोड यानी 100% लोड पे। पूर्ण भार लोड की अवस्था में निम्नलिखित में से किस में ट्रांसफार्मर में 6-0 हो जाता है, पूर्ण लोड की अवस्था में निम्नलिखित में से किस में दाग ट्रांसफार्मर 6-0 हो जाता है, यानी लॉसेज 0 हो जाते हैं, कौन से, कोर होगा, एडी करंट होगा, हिस्टेरिसिस होगा, घर्षण से, तो ये होता ही नहीं है वैसे तो, पूर्ण लोड हो चाहे नया लोड हो तो भी नहीं होता, तो लेकिन ऑप्शन क्वेश्चन बना दिया, क्या करेंगे।
सबसे छोटा ट्रांसफॉर्मर कौन सा है, ठीक है ना। तो 2 किलोवोल्ट एम्पियर 50 हर्ट्ज, 2 किलोवोल्ट एम्पियर 500 हर्ट्ज, 2 किलोवोल्ट एम्पियर 700 हर्ट्ज, यानी जिसमें फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है वो ट्रांसफॉर्मर छोटा होगा। फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है समान रेटिंग की है तो क्या है, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है वो ट्रांसफॉर्मर छोटा होता है। प्राथमिक वाइंडिंग एक भाग द्वितीय वाइंडिंग के समान होता है, प्राथमिक वाइंडिंग का एक भाग द्वितीय वाइंडिंग के समान होता है। तो प्राथमिक वाइंडिंग का एक भाग द्वितीय वाइंडिंग के समान होता है, तो ऐसा होता है आपके ऑटो ट्रांसफॉर्मर में, एक ही वाइंडिंग होती है, ठीक है ना। तो प्राइमरी सेकेंडरी एक जैसी होती है वाइंडिंग। वास्तव में बूस्टर है, तो बूस्टर कौन होता है भाई, बूस्ट करने वाला जिसे बूस्टर कहते हैं। तो वास्तव में एक बूस्टर होता है ट्रांसफॉर्मर, वोल्टेज को बढ़ाने का काम करता है, बूस्ट करने का काम करता है। उच्च आवर्ती ट्रांसफॉर्मर में फेराइट कोर इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि क्योंकि फेराइट का क्या होता है, फेराइट का क्या होता है, फेराइट का उच्च प्रतिरोध होता है, जिसके कारण एडी करंट कम हो जाता है, ठीक है ना, एडी करंट लॉस कम हो जाता है। किस ट्रांसफॉर्मर में वोल्टेज नियंत्रण यानी वोल्टेज कंट्रोल है नेगेटिव होता है, संधारित्र लोड के लिए, प्रतिरोध लोड के लिए, प्रेरक लोड के लिए, नो लोड के लिए, तो किसके लिए हो जाएगा आपका, कैपेसिटिव लोड के लिए, कैपेसिटिव लोड के लिए। ग्लास के साथ सिलिका जेल ब्रीदर फिट होते हैं, बहुत अच्छी बात है, ताकि क्रिस्टल का रंग दिखाई देता रहे, बहुत अच्छी बात है। अभी एक कांच के बर्तन के अंदर क्रिस्टल ही है, किसका प्रयोग, सिलिका जेल का प्रयोग करते हैं, ताकि सिलिका जेल का रंग दिखाई देता रहे। क्रिस्टल जल नमी अवशोषित कर लेता है तो उसका रंग बदल जाता है, तो नमी के बाद गुलाबी हो जाता है। करंट ट्रांसफॉर्मर में प्राइमरी सर्किट में जब करंट प्रभावित हो रहा होता है तब सेकेंडरी परिपथ को, अच्छी है, करंट ट्रांसफॉर्मर के प्राइमरी सर्किट में जब करंट प्रभावित हो रहा हो तब सेकेंडरी परिपथ को शॉर्ट सर्किट नहीं करना चाहिए, खुला नहीं छोड़ना चाहिए। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, याद रख लेना, खुला नहीं रखा जाता है, क्या नहीं रखा जाता, खुला नहीं रखा। वोल्टेज वोल्टमीटर के प्रचालन के लिए विभव ट्रांसफॉर्मर का प्रयोग उच्च वोल्टेज को निरापद वोल्टेज तक घटाने के लिए किया जाता है, प्राइमरी फेरों की संख्या होती है। अच्छा, उच्च वोल्टेज को कम निम्न वोल्टेज में करने के लिए क्या होता है, तो सीधी बात है, उच्च को निम्न में बदलेगा, प्राइमरी की ज़्यादा, सेकेंडरी की कम, ठीक है ना, टर्न होती है तो सेकेंडरी में फेरों की संख्या से कम होती है, थ्री सेकेंडरी में फेरों की संख्या उससे क्या होती है, अधिक होती है प्राइमरी की, तभी तो कहेंगे उसे स्टेप डाउन यार, तभी तो स्टेप डाउन कहेंगे, कुछ समझो बिड़ू। ट्रांसफॉर्मर कॉपर हानि, ठीक है, कॉपर हानि निम्नलिखित में से होती है, कॉपर हानि जहाँ कॉपर होता है, कॉपर कहाँ, वाइंडिंग में होता है, तो वाइंडिंग में कॉपर हानि अस्थिर हानि होती है, लोड पे डिपेंड करती है, करंट के वर्ग के समानुपाती होती है। ट्रांसफॉर्मर का निम्नलिखित में से कौन सा भाग बाहर से दिखाई देता है, बाहर से भाग कौन सा भाग दिखाई देता है, तो सेकेंडरी ने वाइंडिंग देती है, प्राइमरी वाइंडिंग देती है, क्रोड दिखाई देती है, तो बुशिंग बाहर दिखाई देता है, जहाँ पर हम कनेक्शन करते हैं, ठीक है ना, बाहर सप्लाई से, तो उसे कहते हैं बुशिंग। ट्रांसफॉर्मर रेटिंग को आम तौर पर निम्नलिखित में व्यक्त किया जाता है, वोल्ट एम्पियर में, वोल्ट एम्पियर में, वीए में या केवीए एमवीए में। अगला क्वेश्चन है, ट्रांसफॉर्मर में हिस्टैरिसीस हानियां निम्नलिखित द्वारा कम की जा सकती है, ट्रांसफॉर्मर में हिस्टैरिसीस हानियां निम्नलिखित द्वारा कम की जा सकती है, तो आयरन कोर को लेमिनेशन की मोटाई कम करके, स्टील लेमिनेशन का सिलिकॉन अंश नियंत्रित करके, ट्रांसफॉर्मर लोड कम करके, बात सारी पते की है, ठीक है ना। लेमिनेशन करेंगे तो आप क्या करेंगे, लेमिनेशन करने पर क्या हो जाता है, एडी करंट, ठीक
ठीक है, तो मोटाई कम करके स्टील एमुलेशन का सिलिकॉन नियंत्रित करके लोड कम करके। अच्छा, तो बात हिस्टेरेसिस आने की हो रही है, तो हिस्टेरेसिस आने में लेमिलेशन लेमिलेशन का कोई चक्कर नहीं है, लोड का कोई चक्कर नहीं है, ये नो लोड हानियाँ भी इनको कहा जाता है, बिना लोड पे और लोड पे समान होती है। तो हम क्या कर सकते हैं, सिलिकॉन का अंश कम ज़्यादा करके लोड हिस्टेरेसिस लॉस को कम ज़्यादा कर सकते हैं। सिलिकॉन आ जाए तो याद रखना हिस्टेरेसिस संबंधित हो गया ये। अब इस ट्रांसफॉर्मर के 300 क्वेश्चन मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में करवाए हैं भाई, ठीक है ना, और ये तो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, लेकिन ये क्वेश्चन इसलिए करवाए जा रहे हैं, 100 के 100% आने चाहिए आपको, कम से कम 95% प्लस ये क्वेश्चन आपको आने चाहिए। अगर आपने बेसिक चीज़ क्लियर है तो बेसिक कवर करना है तो ये 95% क्वेश्चन तो आपको आने ही चाहिए। ऑटोमोबाइल में इग्निशन कॉइल जो होती है के रूप में कार्य करता है, इग्निशन कॉइल के रूप में कार्य कौन करता है, तो आपका आंसर आएगा डीसी से एसी कन्वर्ट करने कन्वर्टर। ठीक है, नहीं, इग्निशन कॉइल के रूप में स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है भाई, कॉइल होता है स्टेप अप है ट्रांसफार्मर। लघु परिपथ जांच में शॉर्ट सर्किट जांच के अंदर हम तम्र हानियों के लिए करते हैं, किसके लिए करते हैं, शॉर्ट सर्किट तम्र हानियों के लिए, ओपन सर्किट आयरन लॉसेज के लिए। सेल टाइप ट्रांसफॉर्मर में कोर के मध्य पहलू का क्षेत्रफल अन्य पहलुओं के मुकाबले क्या होता है, तो आप कहोगे जी दुगना होता है, अन्य पहलुओं के मुकाबले दुगना होता है। ट्रांसफॉर्मर हेतु एक अच्छे विद्युत रोधी तेल का न्यूनतम फ्लैश बिंदु क्या है, तो फ्लैश बिंदु 140 डिग्री सेल्सियस होता है, कितना होता है, 140 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर वो होता है जिसकी प्राइमरी ट्रेन कम होती है सेकेंडरी ज़्यादा होती है, ऐसा ऑप्शन में है तो देख लो। स्टेप अप में पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा, इनपुट वोल्ट तक बढ़ाता है, दूसरा सही हो जाएगा, तो 118 का क्या जाएगा, बी आ जाएगा। 119 हो गया आपका, धारा परिणामित्र का बोझ अभिव्यक्त किया जाता है, यानी लोड व्यक्त किया जाता है वोल्ट एम्पियर में, किसमें किया जाता है, वोल्ट एम्पियर में। कार्बन ब्रशों की चिंगारी आने की स्थिति में क्या करना चाहिए, बोलो जी चिंगारी को देखना चाहिए, मज़े लेना चाहिए, जैसे रॉकेट चल रही है ऐसा करना चाहिए, लेकिन बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना चाहिए, जो आपके कम्यूटेटर हैं वो साफ कर देने चाहिए। और ये क्वेश्चन आपका डीसी मशीन का है भाई, ठीक है ना, डीसी मशीन का है, सैंड पेपर से हम साफ कर देते हैं उसको। ट्रांसफॉर्मर में निम्न में से कौन सी क्षति शून्य होती है, मशीनी क्षति, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स शील्ड वाले किस प्रकार के ट्रांसफॉर्मरों को कम्यूटेटर चिकित्सा उपकरण या लैब उपकरणों जैसे संवेदनशील उपकरणों की पावर सप्लाई के लिए प्रयोग किया जाता है, तो क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा दोबारा, आंसर दे दीजिएगा, स्टेप अप प्रकार का, स्टेप अप प्रकार का, स्टेप डाउन प्रकार का, आइसोलेटेड सेकेंडरी टाइप, यानी जहाँ पर संवेदन सेंसिटिव, ठीक है ना, उपकरण लगे हैं, इंस्ट्रूमेंट लगे हुए हैं, जैसे लैब के अंदर है, हॉस्पिटल के अंदर है, तो वहाँ पर हम है रिपिल कम करने के लिए इसके अंदर से, ठीक है ना, जो आपका स्पीक बोलते हैं उसको, ठीक है ना, तो उसको कम करने के लिए क्या किया जाता है, करंट की उसके स्पीक बोलते हैं शायद, स्पीक को कम करने के लिए आइसोलेशन ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है, जहाँ पर जैसे लैब हो गया, ठीक है ना, डॉक्टर या हॉस्पिटल के अंदर, तो वहाँ पर किसका, आइसोलेटेड, आइसोलेटेड ट्रांसफार्मर ना करंट को कम करता है ना वोल्टेज को कम करता है, सिर्फ और सिर्फ ये क्या प्रयोग करता है, गैल्वेनाइजेशन आइसोलेशन प्रदान करने का काम करता है। किसी परिणामित्र ट्रांसफार्मर की शीतलन कूलिंग क्यों जरूरी है, तापमान को घटाने के लिए, हानियाँ कम करने के लिए, कार्य कुशलता बढ़ाने के लिए, हमिंग कम करने के लिए, तो इसका आंसर एक हो जाएगा, ताप घटाने के लिए, कूलिंग आ सकता है, नॉर्मल सी बात है, नहीं तो वाइंडिंग और इंसुलेशन खराब हो जाएगा।
ठीक है, क्वेश्चन आया है व्हाट इज़ द टर्न रेशो ऑफ ट्रांसफॉर्मर विद द एनपी एंड एनएस एज ए प्राइमरी एंड सेकेंडरी टर्न रिस्पेक्टिवली। तो कौन सा हो जाएगा टर्न रेशो है तो एनपी एंड एनएस, ठीक है, तो यानी प्राइमरी का टर्न रेशो सेकेंडरी का जो टर्न रेशो है वो क्या होगा, बात टर्न रेशो की हो रही है तो इसका आंसर आपको टर्न के हिसाब से देना है, ठीक है ना। तो इसका देखो मैंने आपको पहले बताया था भी प्राइमरी और सेकेंडरी का जो है आपस में की तुलना के अंदर प्राइमरी और सेकेंडरी का टर्न रेशो जो होता है वो ट्रांसफॉर्मेशन रेशो का उल्टा होता है, ये शब्द पढ़ लीजिएगा आप, तो उल्टा होता है। अब उसमें क्या लिखते हैं ट्रांसफॉर्मेशन रेशो होता है उसमें सेकेंडरी वाइंडिंग को ऊपर और प्राइमरी वाइंडिंग को नीचे लिखते हैं, लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन रेशो जो है उसका उल्टा टर्न रेशो होता है, यानी प्राइमरी वाइंडिंग को ऊपर लिखेंगे, याद रखना प्राइमरी में टर्न की संख्या में सेकेंडरी के टर्न की संख्या लिखनी पड़ेगी हमें। विभव प्रवर्धक देखो कहाँ परिणामित्र लिख देते हैं, क्या विभव प्रवर्धक लिख देते हैं, ठीक है, वोल्टेज एम्पलीफायर बोल दिया इसको। ट्रांसफार्मर में निम्नलिखित में से किस तरह का ट्रांसफार्मर माना जाता है, विभव प्रवर्धक में निम्नलिखित में से किस प्रकार का प्रवर्धक माना जाता है, ठीक है। अच्छा ये कह रहा है पोटेंशियल ट्रांसफार्मर को, ठीक है ना, पोटेंशियल ट्रांसफॉर्म पोटेंशियल वो किस प्रकार का होता है, तो पोटेंशियल ट्रांसफार्मर जो होता है वो किस प्रकार का होता है, स्टेप डाउन प्रकार का होता है, क्या होता है स्टेप डाउन प्रकार का होता है। गैस्केट गलने या क्षतिग्रस्त होने हो जाने के निम्नलिखित में से कौन सा दूष उत्पन्न हो जाता है, भाई ये क्वेश्चन दोबारा आया है इस सीरीज में, ये क्वेश्चन दोबारा आया है, ठीक है ना। तो तेल का क्या हो जाता है लीकेज, ऑयल लीकेज हो जाता है। एक सिटी लाइन के लिए यानी करंट ट्रांसफार्मर लाइन के साथ में जुड़ा होता है, तो करंट ट्रांसफार्मर के साथ कैसे जुड़ा होता है, तो याद रखो सीरीज में, किसमें जुड़ा होता है सीरीज में जुड़ा होता है। निम्नलिखित में से कौन सा ट्रांसफार्मर का मूल अवयव नहीं है, यानी फंडामेंटल जो है या बेसिक कंपोनेंट नहीं है, तो क्रोड है, प्राथमिक कुंडलन है, सेकेंडरी कुंडलन है, परस्पर अभिवाह है, ठीक है, ये नाम नहीं सुना भाई, ठीक है, इंग्लिश में क्या कहते हैं पता नहीं, परस्पर तुम में म्यूचुअल होता है, अभिवाह पता नहीं, अभिवाह म्यूचुअल कंडक्टर शायद ऐसा ही कुछ होता होगा ना, तो लेकिन ये तीन सुने हैं, इसके हिसाब से डी ऑप्शन दे देंगे। 1000 प्राथमिक फेरों वाले एक ट्रांसफार्मर को 250 वोल्ट एसी सप्लाई से जोड़ा जाता है, 400 वोल्ट का द्वितीय वोल्टेज प्राप्त करने के लिए द्वितीय फेरों की संख्या कितनी होगी, 2500 का 4 4 दूनी 8 800 4 चौक 1600 हो जाएगी भाई, कितनी हो जाएगी 1600 हो जाएगी, क्योंकि 1000 / 250 करोगे ट्रांसफॉर्मेशन रेशो जो है उसके अंदर इस वैल्यू को रखिएगा, ठीक है, निकाल के देखिएगा, 1000 / 250 करोगे आंसर 4 आएगा, 4 को किससे मल्टीप्लाई करना है 400 से मल्टीप्लाई करो, 4 चौक 16 आंसर आ जाएगा, यानी 1600 आंसर हो जाएगा। 129 क्वेश्चन थे, ट्रांसफॉर्मर का खात्मा हो चुका है, एक बार नहीं ट्रांसफॉर्मर का खात्मा हमने 4 बार कर दिया है अपने यूट्यूब पे, ठीक है ना, यूट्यूब पे ट्रांसफॉर्मर का खात्मा 4 बार हो चुका है, डीसी मशीन का खात्मा हो चुका है, एसी मशीन का खात्मा, यानी बार बार हर जब भी पढ़ाते हैं जब भी नया सेशन लेके आते हैं तो नए क्वेश्चन लेके आते हैं, ठीक है ना, और सारे क्वेश्चन पढ़ो, सारे क्वेश्चन आपको अलग अलग क्वेश्चन ही मिलेंगे, कुछ 20-25% क्वेश्चन आपको मैच करते हुए मिलेंगे, जब भी आप क्वेश्चन पढ़ोगे तो क्वेश्चन नए ही मिलेंगे, ठीक है, क्वेश्चन पूछने का तरीका नया मिलेगा, आंसर एक ही हो सकता है क्योंकि वही है गंगाधर शक्तिमान है, लेकिन कैसे पूछे गए हैं इससे प्रैक्टिस करने से हमें फ़ायदा होता है, बाकी प्रैक्टिस सेट ले लीजिएगा जहीं पर मिले कहीं से मिले,
अच्छा सा देख के, ठीक है, और हमारे साथ जुड़े हो तो हो सकता है हमने मेहनत की है, ठीक है, तो देख लीजिएगा, बाकी आपकी मर्जी है जैसा भी हो। आज के लिए इतना ही है, जय हिंद जय भारत, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, भगवान आपका भला करे, जल्द से जल्द आपको एक प्यारी सी नौकरी दे, इसी प्रकार पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए, सफलता आपके कदम चूमेंगी, ज़रूर चूमेंगी, पैरों में आके माफ़ी मांगेगी भी मैं इतनी लेट क्यों आई, ठीक है ना। आप तो बहुत मेहनती बच्चे हो, आप इतने मेहनती और इतने जुनूनी बच्चे हो, आपको तो आप इससे अच्छी नौकरी डिजर्व करते थे, लेकिन अगर ऐसा मेहनत नहीं करोगे ना तो सफलता कहेगी चल कौन है तू, मैं तो तेरे को पहचानती नहीं, पास से निकल जाएगी, ठीक है ना, जैसे मतलब नाक चढ़ा के निकल जाते हैं ना, वैसे निकल जाएगी। तो ध्यान रखना, सफलता उसी के पास आती है जो मेहनत करता है, देर से आ जाए लेकिन आएगी ज़रूर, ठीक है ना, कोई रोक नहीं सकता, आएगी ज़रूर, ठीक है ना। वो कहते हैं ना कर्ण अर्जुन आएंगे ज़रूर, तो कर्ण अर्जुन कितने साल बाद आए थे, 20-25 साल के होके आए थे, लेकिन आए थे, उम्मीद थी उनको जब आए थे ना, तो कर्ण अर्जुन आएंगे, नौकरी भी आपके आएगी, सफलता भी आपके इससे आएगी, तैयारी करते रहिएगा और लगातार बने रहिएगा। तो आज के लिए फिर इतना ही, जय हिंद जय भारत, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, भगवान आपका भला करे, जल्द से जल्द आपको एक